जोहर जोहार जय बाणा दे, जोहर जोहार। सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। तो सगाजनों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि गोपाल लिंगो जी का पूरा नाम क्या था और उनके नाम के साथ जो शब्द जुड़ते गए उनका अर्थ क्या है, या यूं कहूं कि उनके नाम के आगे जो उपलब्धि जुड़ती गई उसका आशय क्या निकलता है। तो साथियों, वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सगाजनों तक जरूर पहुँचाइएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कोयतुरों के धर्मगुरु पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो जी हैं, जिनका लालन पालन पुलसिव राजा और माता हिरबा रानी ने किया। आप उम्मोगुट्टा कोर गुडूर के युवक हैं। आपके गांव का नाम पूर्वा कोट है और आपका वंश पुरार भिड़ी है। कहते हैं कि जब आप 17 वर्ष के थे तब आपने गढ़ गुडार को त्याग दिया और कोयटागढ़ खंड का परिभ्रमण किया। 2 वर्ष लगातार कोयपुने मार्ग के शोध के लिए आपने कोयमुरी द्वीप के 4 संभागों में भ्रमण भी किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: उम्मगुट्टा कोर, येरगुट्टा कोर, सहगुट्टा कोर तथा आयफोका गुट्टा कोर। और इन सभी संभागों के जंगल में आपने बारी बारी से अध्ययन किया। इसके पश्चात आपने 7 वर्ष तक सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना की, और जब आपने कोयपुनेम का प्रचार एवं प्रसार किया तब आपकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। तो साथियों, ये रहा एक छोटा सा परिचय पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो जी का, जिन्होंने मात्र 26 वर्ष की उम्र में कभी न मिटने वाला मार्ग बनाकर हम सभी कोयतुरों को दिया। लिंगो जी ने अपने कार्यकाल में ऐसी ऐसी खोजें की जिनका पालन हम कोयतुर आज भी करते हैं। उनके द्वारा दिए गए सारे मार्ग प्रकृति सम्मत हैं, मेडिकल के अधीन हैं और वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित हैं। उनके द्वारा की गई सारी खोजें अद्वितीय हैं, अविस्मरणीय हैं, जिनका कोई तोड़ नहीं है। तो सगाजनों, अब जानते हैं कि गोपाल लिंगो जी का पूरा नाम क्या था, जो भी उनके नाम के साथ शब्द जोड़ते गए उनका आशय क्या है। तो पहले जानते हैं कि हमारे गुरु का पूरा नाम क्या था। लिंगो जी को मुठवा पोए रूपोलंग पारी पहाड़ी गोपाल लिंगो जी कहा जाता है, जिसमें मुठवा पोए का अर्थ आप सभी समझते हैं, और इस शब्द का उनके नाम के साथ जुड़ना भी, यह कारण भी आप भली भांति जानते हैं। दूसरा, रूपोलंग अर्थात ऐसा व्यक्ति जो चांदी की चमक और बहुत सी खूबियों का मालिक हो, बहुत ही तेजस्वी हो। पारी अर्थात कोयतुर समाज को जिन्होंने 12 सगा पाणियों में बांटकर एक सामाजिक व्यवस्था की रचना की। पहाड़ी, जब लिंगो बाबा कोयपुने मार्ग का शोध करने हेतु कोयटागढ़ खंडाक में घूम रहे थे तब आप एक दिन पैनगोदा नदी की बाढ़ में बह गए थे। आप बाढ़ के पानी की भंवर में जा ही चुके थे कि पहाड़ी वृक्ष का फूल भंवर पर गिर जाने से वह भंवर लुप्त हो गया। तब से आपको पहाड़ी पुत्र भी कहा जाने लगा। कुपार अर्थात पूर्ण शुद्ध सांप की कुंडली, सिर का जूड़ा जहाँ से मुठवा का जन्म हुआ। लिंगो अर्थात जब आप भंवर में से बाहर आए तब आप बेहोश थे। आपको होश में लाने के लिए शंभु शेख ने गोवेंदाड़ी बनाई और आपको होश आ गया। तब आपने उसी गोवेंदाड़ी की आवाज़ यानी स्वर व्यंजन को समझकर गोयंदड़ी भाषा का निर्माण किया, जिसे हम गोंडी भाषा या पारसी पाना भी कहते हैं। चूंकि आपने एक भाषा का निर्माण किया, वहां से आप लिंगो हो गए। लिंगो जी का बचपन का जो नाम था वह था रूपोलंग कोपार, और शेष 4 शब्द मुठवा पोए, पारी, पहाड़ी और लिंगो, ये उनकी उपलब्धियां थीं। आशा करता हूं कि गोपाल लिंगो जी के नाम को लेकर आप आज से और अभी से किसी भी तरह की कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप उनके नाम का आशय भली भांति जानेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।